हेलो बच्चा लोग वेलकम टू द चैनल एडियू निति मेरा नाम मोहित गोइंका है और मैंने आईटी टी खड़गपुर से इंजीनियरिंग किया है इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेवेंटीन मार्च मॉर्निंग शिफ्ट का फिजिक्स का पेपर दीज आर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस एंड वी आर गोइंग टू सी मेजॉरिटी ऑफ देम अगर मैं पेपर के लेवल की बात करूँ सो दिस वॉज क्वाइट अ बैलेंस पेपर बैलेंस इन द सेंस इट वॉज मॉडरेट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं था और बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं था इलेवेंथ का वेटेज इसमें ज़्यादा था एज कम्पेयर टू ट्वेल्थ वेटेज ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को आपके सामने ये पहला सवाल है इस क्वेश्चन में हमसे कहता है पार्टिकल ऑफ मास एम इज रोटेटिंग विद कॉन्सेंट एंगुलर बेलॉसिटी ओमेगा इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन सर्कल पार्टिकल इज सस्पेंडेड विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रिंग फ्रॉम पॉइंट बी तो ये पॉइंट बी है ये आपको वो धागा है पार्टिकल है एंड दिस इज द मास विच इज रोटेटिंग और रिवॉल्विंग इन दिस सर्कुलर पाथ एंड द सर्कल इज इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन इफ एल ए इज एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए एंड एल बी इज एंगुलर मोमेंटम अबाउट बी तब हमें कमेंट करना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा ठीक है अच्छा एक काम करते हैं हम इस सर्कल को यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करके हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं लेटस ड्रॉ द सर्कल लाइक दिस एंड पार्टिकल मान लीजिए फ़िलहाल यहाँ पे है एंड इस समय इस समय पार्टिकल का जो वेलोसिटी है दैट इज़ लेटस से इन टू द प्लेन ये आपको पार्टिकल का वेलोसिटी है इन टू द प्लेन ठीक है अच्छा अगर हम सबसे पहले बात करें अबाउट पॉइंट ए तो पॉइंट ए के अबाउट अगर हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है वी विल ड्रॉ दिस रेडियस वैक्टर ये आपको आर वैक्टर हो जाएगा राइट right? ये आपको हो जाएगा आर वैक्टर ठीक है अब एंगुलर मोमेंटम कैसे होगा एल ए इज़ बेसिकली आर क्रॉस एम एन टू वी सो बेसिकली हमें आर क्रॉस वी का डायरेक्शन देखना है आप जब आर क्रॉस वी का डायरेक्शन देखेंगे तो वो आपको ऊपर की तरफ आएगा दैट इज़ गोइंग टू बी इन दी अपवर्ड डायरेक्शन और ये जो डायरेक्शन है वो कभी भी चेंज नहीं होगा पार्टिकल चाहे यहाँ पे हो यहाँ पे हो इधर हो दिस डायरेक्शन इज गोइंग टू बी इन दी अपवर्ड सेंस ठीक है सो so डायरेक्शन इसका कांस्टेंट है और मैग्नीट्यूड तो इसका कांस्टेंट ही होगा अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें दिस इज़ सिंपली गोइंग टू बी एम वी आर ठीक है तो पहला ऑप्शन कहता है कि एल ए इज़ कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन तो ये ऑप्शन ही सही है बाकी सब को भी हम लोग चेक कर सकते हैं कि क्यों गलत होने वाला है वो सब अगर हम लोग बात करें पॉइंट बी की सो बी पॉइंट पे अगर एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो यहाँ से आप एक पोजीशन वेक्टर लोगे राइट right? लेट अस कॉल दिस एज पोजिशन वैक्टर आर वन वैक्टर ठीक है अब आप ध्यान से देखिए ये जो आर वन वैक्टर है राइट right, इस डायरेक्शन में है इस डायरेक्शन में है और वेलोसिटी अभी इन टू द प्लेन है ठीक है वेलोसिटी आपका इन टू द प्लेन है अब आप जब आर क्रॉस वी करोगे तो मोमेंटम का डायरेक्शन एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से आएगा दिस इज योर एल बी वैक्टर ठीक है अब यही पार्टिकल जब घूमते घूमते इधर आ चुका होगा इधर आ चुका होगा वेन बलॉस्ट इज आउट ऑफ द प्लेन राइट नाउ अब आपका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो इस डायरेक्शन में होगा राइट मैग्नीट्यूड वाइज इट इज़ नॉट चेंजिंग मैग्नीट्यूड इसका हमेशा कॉन्स्टेंट है लेकिन डायरेक्शन इसका कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है ठीक है इस तरीके से ये मूव कर रहा है इस तरीके से ये मूव कर रहा है एल बी वैक्टर राइट आई होप आई एम क्लियर टू यू सो डायरेक्शन इसका चेंज कर रहा है सो एल बी इज कॉन्स्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन नहीं डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है एल ए इज़ अ वेरिएबल इन डायरेक्शन गलत है हमने देखा है कि इसका डायरेक्शन हमेशा ऊपर की तरफ है एल बी इज वेरिएबल इन मैग्नीट्यूड ऐसा भी नहीं है एल बी का मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंट है विच इज़ आर वन वलॉसिटी इन टू मास ठीक है तो ये भी गलत है ऑप्शन नंबर वन इज़ द करेक्ट आंसर सो दिस वॉज अ डिसेंट अ गुड क्वेश्चन आई वुड से चलिए क्वेश्चन नंबर टू की ओर बढ़ते हैं Uh, ये आपको डायरेक्टली फॉमुला बेस्ड सवाल है इन हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन इज मूविंग ए सर्कुलर ऑर्बिट विद स्पीड वी एंड द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम नंबर ऑफ ऑर्बिट इज एन देन करेक्ट रिलेशन इज व्हाट करेक्ट रिलेशन इज व्हाट तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए दैट दिस वेलोसिटी इज गिवन बाय 2.16 पॉइंट टेन टू द पावर सिक्स मल्टीप्लाइड बाई जेड बाई एन तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि दिस वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन विच इज योर ऑप्शन नंबर टू ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री ओके okay, तो बड़ा ही एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट वाला सवाल है टू ब्लॉक सिस्टम फ्रिक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है ये हमसे सवाल में कह रहा है कि इन द टू ब्लॉक सिस्टम शोन इन द फिगर इवेल्युएट द मैक्सिमम फोर्स अप्लाइड टू लोअर ब्लॉक सो दैट बोथ मूव्स टुगेदर जी की वैल्यू हमें 9.8 लेने के लिए कहा गया है नीचे 4.5 पॉइंट है ऊपर पॉइंट फाइव है और यहाँ पर आपको फ्रिक्शन है दैट इज थ्री बाई नीचे ये स्मूथ सर्फेस है ठीक है अब होता क्या है कि आप जैसे जैसे इस अप्लाइड फोर्स की वैल्यू बढ़ाते हो यहाँ पे जो फ्रिक्शन uh, लग रहा है वो भी बढ़ता जाएगा टू प्रोवाइड एक्सेलरेशन टू दिस पॉइंट फाइव के जी सो दिस इज़ द मैकेनिज्म वॉट इज गोइंग ऑन अब आप कैपिटल एफ मैक्स को बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए एक लिमिट तक ही यहाँ पे फ्रिक्शन बढ़ सकता है ठीक है एंड दैट लिमिट इज़ बेसिकली कॉल्ड योर लिमिटिंग फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन या फिर स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू विच इज़ म्यू इनटू नॉर्मल ठीक है यानी कि जब यहां पे फ्रिक्शन लिमिटिंग आ चुका है उसके बियॉन्ड अगर हम यहां पे एफ को बढ़ा देंगे हम और एफ को बढ़ा देंगे तब यहां पे स्लिपिंग चालू हो जाएगा ठीक है सो मैक्सिमम फोर्स के लिए हम कंडीशन लेंगे कि यहां पे लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है एंड द बोथ द ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर ठीक अच्छा अगर दोनों ब्लॉक्स सेम एक्सलेशन से मूव कर रहा है तो हम एक इक्वेशन तो लिख सकते हैं दैट एफ मैक्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द सिस्टम इं टू एक्सलेशन टोटल मास है पॉइंट फाइव प्लस फोर पॉइंट फाइव विच इज़ योर फाइव टाइम्स एक्सेलरेशन ठीक है अच्छा दूसरा इक्वेशन लिखने के लिए हमें पॉइंट फाइव के जी का एफ बी डी अलग से बनाना होगा तो पॉइंट फाइव के जी के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स आगे की तरफ लग रहा है विच इज़ योर म्यू इन टू नॉर्मल यूर यू आर म्यू इंटू नॉर्मल एंड दिस म्यू इंटू नॉर्मल इज बेसिकली प्रोवाइडिंग एक्सेलरेशन टू दिस पॉइंट फाइव के जी ब्लॉक तो हम कह सकते हैं दिस म्यू इंटू नॉर्मल इज इक्वल टू पॉइंट फाइव मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन ठीक है अब ये म्यू की वैल्यू कितनी है थ्री बाई सेवन थ्री बाई सेवन नॉर्मल आपको हो जाएगा एम जी पॉइंट फाइव मल्टीप्लाइड बाई नाइन पॉइंट एट इज इक्वल टू ध्यान से देखिए आप ध्यान से देखिए अच्छा यहाँ पे भी एक पॉइंट फाइव था आई मिस्ड डे आउट तो ये पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव आपका कैंसिल हो जाएगा सो so, ए का जो वैल्यू हो गया है ये भी कट होगा आपको सेवन वन पॉइंट फोर सो ए आपको हो रहा है थ्री इंटू वन पॉइंट फोर मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर इस वाले इक्वेशन में अगर हम ए की वैल्यू पुट कर दें तो हमारा एफ मैक्सिमम आ जाएगा दैट इज़ फाइव इंटू थ्री इंटू वन पॉइंट फोर दिस इज़ योर फिफ्टीन इंटू 1.4 दिस इज योर 21 न्यूटन ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर इसमें हमसे कहता है टू व्हाट मिनिमम वैल्यू रेडियस ऑफ अर्थ शुड बी रिड्यूस्ड सो दैट एस्केप वेलोसिटी बिकम्स टेन टाइम्स ऑफ इट्स एक्चुअल वैल्यू ठीक है तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला अपना होता है अंडर रूट टू जी एम बाई आर तो यहां से हम कह सकते हैं यहां से हम कह सकते हैं कि अगर मास के साथ सवाल में कुछ भी चेंज करने नहीं बोला गया है सो वी कैन से दैट रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस्केप वेलोसिटी स्क्वायर बोथ साइड स्क्वायर कीजिए आपको ये रिलेशन यहां पे निकल के आ जाएगा अब हमसे कहता है कि एस्केप वेलोसिटी बिकम्स टेन टाइम्स तो आपको यहां पे दिख रहा है ना कि अगर एस्केप वेलोसिटी दस गुना होगा टेन टाइम्स होगा तो रेडियस

फाइव इफ बॉडी परफॉर्म्स एस एच एम ऑफ एम्पलीट्यूड ए देन डिसप्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन एट विच इट्स कानेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक और पोटेंशियल कहाँ पर इक्वल होगा हालांकि अगर ये सवाल क्लास में प्रैक्टिस किया तो आंसर इसका ऐसे ही याद रहता है फिर भी हम इसे डिटेल में सॉल्व कर लेते हैं एक बारी आ, तो सवाल में चाहता है कि काइनेटिक एनर्जी शुड बी इक्वल टू योर पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कैन रिटर्न एस हाफ एम ओमेगा स्क्वा एक्स स्क्वायर ठीक है कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए पोटेंशियल एनर्जी आपका होता है हाफ के एक्स स्क्वायर एंड के कैन बी रिटन एस एम ओमेगा स्क्वायर ठीक है अच्छा तो यहां से आपको हाफ एम हाफ एम तो कैंसिल हो जाएगा और वी स्क्वायर क्या होता है Velocity होता है आपका तो को हम लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्स इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्तर तो यहां से दिखता है कि ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर खत्म सो दिस इज योर ए स्क्वायर इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स की वैल्यू हो गई ए अपॉन अंडर रूट टू एंड प्लस माइनस ठीक है प्लस माइनस दोनों पॉसिबल है विच मीन्स ऑप्शन नंबर थ्री इज़ अ करेक्ट आंसर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स इसमें हमसे कहता है कि आपके पास दो आइडेंटिकल रॉड्स है आपके पास दो आइडेंटिकल रॉड्स है आइडेंटिकल का मतलब है कि दोनों का लेंथ भी सेम होगा और दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम होगा बस थर्मल कंडक्टिविटी अलग अलग है एक केवन है एक के टू है ठीक है वॉट इज़ द इक्वेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी यानी कि हमें इसे रिप्लेस करना है एक सिंगल रॉड से जिसका डायमेंशन इनके बराबर हो दैट इज टूएल एंड क्रॉस सेक्शन एरिया एंड थर्मल कंडक्टिविटी के इक्वेलेंट तो हमें ये के इक्वेलेंट बताना है अब के इक्वेलेंट निकालने का मतलब है कि दोनों सिस्टम का थर्मल रेजिस्टेंस सेम होना चाहिए थर्मल रेजिस्टेंस होता है आपका एल बाई के ए मान लीजिए कि इसका थर्मल रेजिस्टेंस आर वन है इसका आर टू है ठीक है अच्छा तो क्या हो जाएगा एल बाई के वन ए प्लस दोनों सीरीज़ में हैं तो हम जस्ट लाइक like, जैसा आपका रजिस्टर्स में होता है सीरीज़ में आर वन प्लस आर टू हो जाएगा लेफ्ट साइड का टोटल थर्मल रजिस्टेंस सो एल अपॉन के वन ए प्लस एल अपॉन के टू ए दिस इज इक्वल टू टोटल लेंथ ट्वेल्थ अपॉन के इक्वलेंट ए राइट right? तो यहाँ पे आपको देखना चाहिए कि आपका एल 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 तो खत्म हो गया और एरिया 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 भी खत्म हो गया यहाँ पे आप एल लोगे सो दिस बिकम्स के वन प्लस के टू डिवाइडेड बाई के वन के वन के टू दिस इज इक्वल टू टू अपॉन के इक्वेलेंट यानी कि हमारा जो आंसर है के इक्वेलेंट दैट इज इक्वल टू टू के वन के टू डिवाइड बाई के वन प्लस के टू सो दिस इज़ द आंसर विच इज़ ऑप्शन नंबर वन ठीक चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर सेवन अ कारनाट इंजन वर्क बिटवीन टू रिजर्वॉयर्स एट अ टेम्परेचर ऑफ चार सौ कैलविन एंड आठ सौ कैलविन इट इट्स वर्क पर साइकिल इज टूएल्व हंड्रेड जूल फाइंड हीट सप्लाइड पर साइकिल अब हमें पता है कि एफिशंसी जो होता है दैट इज योर वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू वन माइनस टी लोअर टेम्परेचर अपॉन टी हायर टेम्परेचर ठीक है अब आपको यहाँ पे डब्लू दिया हुआ है दैट इज ट्वेल्व हंड्रेड हमें हीट सप्लाई निकालना है हमें लोअर टेम्परेचर दिया हुआ है और हमें हायर टेम्परेचर भी दिया हुआ है आप ध्यान से देखिए बड़ा ही सिंपल सा कैलकुलेशन है 400 हंड्रेड बाई एट हंड्रेड वन बाई टू वन माइनस वन बाई टू एज वन बाई टू सो यहाँ से अपना आंसर आ गया दिस इज़ योर ट्वेंटी फोर हंड्रेड जूल्स विच इज़ योर ऑप्शन नंबर वन राइट ओके मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट अब ये सवाल अगर नहीं किया तो क्या किया एन बेस्ड क्वेश्चन है और इसके पिछले सेशन में भी सिक्सटीन मार्च इवनिंग शिफ्ट में भी जब एक सवाल सॉल्व किया था तो वहाँ पे भी ऐसा रोलिंग का एक सवाल था और मैंने तब भी कहा था कि एक छोटा सा वीडियो मेरे चैनल पे है रोलिंग ऑन इनक्लाइन प्लेन जहाँ पे एग्जैक्ट सेम सवाल को भी डिस्कस किया गया है सवाल में कहता है कि आपके पास एक रिंग डिस्क सॉलिड सिलेंडर एंड सॉलिड स्पेयर है ऑल आर रिलीज फ्रॉम फिक्सड इनक्लाइन प्लेन ऑफ इन्क्लेन थीटा द मिनिम टाइम टेकन बाई एन ऑब्जेक्ट टू अराइव एट बॉटम ऑफ इंक्लाइन ठीक है तो सवाल में कहता है सबसे पहले कौन नीचे पहुँचेगा सबसे पहले नीचे कौन पहुँचेगा राइट right, तो मान लीजिए यहाँ पर कैसा आपका एक रोलिंग ऑब्जेक्ट है ठीक है ये एक रोलिंग ऑब्जेक्ट है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है के एम आर स्क्वायर राइट के एम आर स्क्वायर आपको समझ में आ जा रहा है यहाँ पे कि अगर एक रिंग है तो के की वैल्यू वन हो जाएगी अगर एक सॉलिड स्फीयर है और रादर पहले डिस्क ले लेते हैं अगर एक डिस्क है तो के की वैल्यू वन बाई टू हो जाएगा सॉलिड स्फीयर है तो के का वैल्यू टू बाई फाइव है और अगर एक हॉलो स्पीयर है तो के की वैल्यू टू बाई थ्री है ठीक तो इस तरीके से मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफ़ाइन किया हुआ है आइजिकल टू के एम आर स्क्वेयर इस केस में जो आपका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होगा दिस एक्सेलरेशन इज गिवन बाय जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय वन प्लस के बड़ा ही आसान रहता है इस तरीके से फॉर्मूले को याद करना और इसे अप्लाई भी करना अब आपको यहाँ पर दिखना चाहिए कि सॉलिड स्फेयर का के पॉइंट फोर है विच इज़ लीस्ट अमंग ऑल अगर डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा तो एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा होगा यानी कि सॉलिड स्पेयर का एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा है तो वो सबसे पहले नीचे पहुँचेगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल क्वेश्चन नंबर नाइन्थ ओके अगेन लॉजिक गेट का हर सेशन में लॉजिक गेट का एक ना एक सवाल तो आ ही रहा है हमसे कहता है द सर्किट शोन इन द फिगर बिलो रिप्रजेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स अब आप ध्यान से देखिए ये आपका एक नॉट गेट है ये आपका एक नॉट गेट है ये भी आपका एक नॉट गेट है यानी कि यहाँ पे इनपुट ए दिया है तो यहाँ पे आपके पास आएगा ए बार यहाँ पे आ जाएगा आपके पास बी बार नाउ व्हाट इज़ दिस दिस इज़ योर नॉर गेट यह आपका एक नॉरगेट है नॉर गेट है तो यहाँ पे यहाँ पर जो आपके पास आउटपुट आया है दिस इज ए बार प्लस बी बार होल ओवर बार राइट अब हम यहाँ पर डी मॉर्गन्स थोरम इस्तेमाल कर सकते हैं डी डी मॉर्गनस थ्योरम कहता है कि ए प्लस बी बार इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार यानी कि इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं हम इसे लिख सकते हैं इस चीज़ को हम लिख सकते हैं ए बार बार डॉट लाइक दिस वी कैन राइट इट नाओ दिस इज़ वॉट दिस इज सिंपली ए डॉट बी सो यहाँ पे आपका चीज़ है ए डॉट बी ना अगेन दिस इज़ अ नॉट गेट अगेन दिस दिस इज अ नॉट गेट यानी कि यहाँ पे आपका आउटपुट आएगा ए डॉट बी बार एंड दिस इज़ नथिंग बट योर नैंड गेट ये जो आउटपुट आया है दिस इज इक्वेलेंट टू नैंड गेट तो ये पूरा सिस्टम जो है वो नैंड गेट के इक्वलेंट है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल क्वेश्चन नंबर टेन टू स्प्रिंग मास सिस्टम आर सस्पेंडेड आर शोन इफ टाइम पीरियड इन ए एस टी एंड बी एस टी बी तो बताइए टी ए अपॉन टी बी क्या है अब आपको पता होना चाहिए दैट टाइम पीरियड इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट एम बाई के दोनों सिस्टम में मास हमें सेम दिया यानी कि टाइम पीरियड इज ओनली डिपेंडिंग अपॉन स्प्रिंग कॉन्स्टेंट सो हम कह सकते हैं दैट टी ए अपॉन टी बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के बी अपॉन के ए अब आप ध्यान से देखिए मेरी बात को सेकेंड सिस्टम में दोनों स्प्रिंग सीरीज में है तो के इक्वेलेंट हो जाएगा के बाई टू दिस इज योर के यू पहले में तो सिर्फ के ही है सो दिस बिकम्स वन बाई अंडर रूट टू यानी कि एक्स की वैल्यू आपको आ जाती है टू आगे बढ़ते हैं अगला सवाल क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ इस सवाल में हमसे कहता है लॉन्ग हैविंग टर्न्स पर यूनिट लेंथ रिलेटिव परमिबिलिटी इज फाइव हंड्रेड करंट फ्लोइंग इज फाइव एम्पियर देन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इन साइड दोलोनर इज वॉट सो बेसिकली मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज अ डिफरेंट वे ऑफ सेइंग मैग्नेटिक फील्ड कितना है सो दिस इज योर म्यूनॉट म्यू आर एन इन टू आई ये म्यू आर को लिखना मत भूल जाएगा इस सवाल में दे रखा है म्यूनॉट की वैल्यू आपको होती है फोर बाई इंटू टेन पॉर माइनस सेवन म्यू आर आपको दे रखा है पाँच सौ मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल एन विच इज योर थाउजेंड एंड करंट इज योर फाइव राइट अब आप ध्यान से देखिए वन ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव राइट तो यहाँ से इतना बचेगा अच्छा और देखिए फाइव इंटू फाइव ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव इंटू फोर हंड्रेड यहाँ पर टेंथ पा माइनस टू है तो ये सब आपस में कैंसिल हो जाएगा सब 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 कैंसिल होगा सिर्फ पाई बचेगा सिर्फ आपके पास सवाल में प्रश्न में पाई बचेगा ऑप्शन नंबर टू इज़ अ करेक्ट आंसर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ ओके सो quite an interesting question a car accelerates from rest at a constant rate alpha for some time uh, and after which decelerate at a constant rate beta to come to rest if the total time elapsed is t find the total distance travelled ठीक है तो सवाल को करने के लिए best होगा कि आप पहले तो graph draw कर ले क्योंकि एक velocity versus time graph का जो area होता है that is your distance covered displacement होता है लेकिन यहाँ पे वो हमें distance ही देगा अच्छा शुरुआत में इनिशियली वो रेस्ट पे था एंड इट मूव्स विथ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन अल्फा राइट तो एक स्ट्रेट लाइन होगा उसके बाद ये डिसलरेट करता है विथ कॉन्स्टेंट रेट बीटा एंड इट कम्स टू रेस्ट इट कम्स टू रेस्ट ठीक है तो कहीं यहाँ पे लेटर से एट टाइम टी नॉट एट टाइम टी नॉट इसने एक मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव की होगी वी नॉट ठीक है हमें ये वी नॉट निकालना ज़रूरी है अगर हमें ये एरिया निकालना है बिकॉज एरिया इज़ हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड तो हमें ये वी नॉट तो चाहिए चाहिए सवाल में अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पे आपका स्लोप जो है वो एल्फा है राइट एक्सेलरेशन इज़ बेसिकली स्लोप राइट वी t ग्राफ में और यहाँ पे आपका जो स्लोप है वो बीटा है तो क्या हम एल्फा को लिख सकते हैं वी नॉट बाई टी नॉट ध्यान से देखिए ये जो अल्फ़ा है दिस इज जो बेसिकली टैन थीटा सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस सो वी नॉट बाई टी नॉट हम लिख सकते हैं राइट अच्छा तो यहाँ से हम T नॉट को लिख सकते हैं फ्रॉम हियर आई कैन राइट T नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाई एल्फा बीटा के लिए बीटा को हम क्या लिख सकते हैं अगेन परपेंडिकुलर दैट इज योर वी नॉट डिवाइडेड बाई ये वाला टाइम इंटरवल दिस इज योर T माइनस टी नॉट टी माइनस टी नॉट तो इस तरीके से लिख दिया हमने इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए दिस बिकम्स योर बीटा टी माइनस बीटा टी नॉट इज इक्वल टू वी नॉट इक्वेशन नंबर वन से टी नॉट की वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए दिस बिकम्स योर बीटा वी नॉट बाई एल्फा इज इक्वल टू वी नॉट अब ये बीटा वी नॉट बाई एल्फ़ा को राइट right साइड ले जाइए सो दिस बिकम्स योर वी नॉट एल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई अल्फा तो यहाँ से मेरा वी नॉट आ जाता है अल्फा बीटा टी डिवाइड बाई अल्फा प्लस बीटा और हमें पता है कि ये जो एरिया होगा दैट इज़ योर डिस्टेंस दैट इज़ योर डिस्टेंस सो डिस्टेंस इज़ नथिंग बट हाफ इंटू बेस इंटू

सिक्स सेंटीमीटर एंड थिकनेस थ्री एम एम ध्यान दीजिएगा छः सेंटीमीटर और थिकनेस से थ्री एम mm एम दिया है द स्पीड ऑफ लाइट पास्ट इज दिस मच फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस ठीक है अब फोकल लेंथ का हमें फॉर्मूला तो पता होता है वन बाई एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस वन ब्राकेट वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू लेकिन इस समय उसे इस्तेमाल कर पाना थोड़ा सा कठिन है क्योंकि हमारे पास ये रेडियस ऑफ कर्वेचर आर नहीं दिया है ठीक है ये आपके पास एक कॉन्वेक्स प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है हमें इसका थिकनेस दिया है सेंटर पे तीन एम एम है और डायमीटर छः सेंटीमीटर दिया है राइट सो so यहाँ पे डायमीटर जो है दैट इज़ बेसिकली योर अपर्चर साइज अपर्चर का मतलब है ये वाला लेंथ आपको दे रखा है छः सेंटीमीटर ये आपको दे रखा है छः सेंटीमीटर अब ये जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है किसी ना किसी स्फेयर का तो एक पार्ट रहा होगा दैट इज़ बट ऑबियस किसी ना किसी स्फेयर का तो ये एक पार्ट रहा होगा ठीक है जिसका सेंटर यहाँ पे होगा अब ध्यान से समझिएगा अब ध्यान से बात को समझिएगा हमें क्वेश्चन में ये आर निकालना ज़रूरी है ठीक है ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा वॉट इज़ दिस लेंथ दिस इज़ योर हाफ ऑफ डायमीटर दैट इज़ थ्री सेंटीमीटर थ्री सेंटीमीटर या फिर हम इसे लिख सकते हैं थर्टी एम एम थर्टी एम एम लिख दीजिए फिलहाल के लिए ये थिकनेस हमें दे रखा है थ्री एम एम ये थिकनेस है थ्री mm, है मैम सो ये वाली लेंथ कितनी हो गई दिस इज आर माइनस थ्री ठीक है अब हमें अगर आर निकालना है तो लगा दीजिए पाइथागोरस आई कैन से आर स्क्वायर इज इक्वल टू थर्टी स्क्वायर विच इज़ योर नाइन हंड्रेड प्लस प्लस आर माइनस थ्री का होल स्क्वायर सो आर स्क्वायर प्लस नाइन माइनस सिक्स आर तो यहाँ से आर स्क्वायर आर स्क्वायर लगभग ख़त्म हो गया सो यहाँ से आर आपका कितना आ रहा है नाइन हंड्रेड नाइन डिवाइडेड बाई सिक्स राइट सो ये आपको हो गया थ्री टू दिस इज योर थ्री जीरो थ्री सो बेसिकली योर फिफ्टीन वन पॉइंट फाइव राइट ये हो गया आपको एम mm एम में या फिर हम इसे लिख सकते हैं फिफ्टीन पॉइंट वन फाइव सेंटीमीटर राइट तो हमें यहाँ पे हमारा आर आ गया है अब हमें चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं स्पीड ऑफ़ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सो दिस इज थ्री इंटू टेन दु द पावर एट डिवाइडेड बाई टू इंटू टेन दु द पावर एट तो ये आपको आ गया है थ्री बाई बढ़िया एकदम अब निकालते है, फोकल so 1 F है, है और आर टू हमने निकाल लिया है विच इज इक्वल टू आर दैट इज फिफ्टीन पॉइंट सो दिसन बाई इन्फिनिटी माइनस ऑफ माइनस फिफ्टीन पॉइंट वन फाइव स इज योर हाफ एंड हियर यह तो जीरो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फिफ्टीन पॉइंट वन फाइव को हम लोग कैलकुलेशन के लिए अप्रॉक्सिमेटली पंद्रह मान लेते हैं सो दिस इज योर फिफ्टीन देर फॉर फोकल लेंथज अप्रोक्सीमेटली थर्टी सेंटीमीटर सो इस सवाल का जो आंसर है दैट इज गोइंग टू बी थर्टी ठीक चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन इस सवाल में हमसे कहता है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम मूविंग विथ वेलॉसिटी ट्वेंटी मीटर्स पर सेकेंड

दैट इज फाइव परसेंट ऑफ दिस राइट एंड वॉट इज फाइनल कैनेटिक एनर्जी दिस इज योर हाफ एम फाइनल वेलॉसटी स्क्वायर राइट तो हमसे ये वी एफ ही तो पूछा है so, half m, half m तो हाफ एम हाफ एम तो खत्म हो गया ये आपको हो जाएगा चार सौ मल्टीप्लाइड बाई पांच अपॉन हंड्रेड दिस इज इक्वल टू योर वी एफ स्क्वायर तो यहाँ से आपको वी एफ आता दिख रहा होगा टू रूट फाइव मीटर्स पर सेकेंड है ना ये ट्वेंटी आ जाएगा ट्वेंटी का अंडर रूट कितना होता है टू रूट फाइव दिस इज योर ऑप्शन नंबर टू ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन अगेन एक स्टैंडर्ड सवाल है थ्योरी में करा दिया जाता है एन लेवल पे मोस्ट प्रोबेबली ये नहीं कराते हैं टू सोप बबल ऑफ रेडियस ए एंड बी जहाँ पे बी बड़ा है ए से कम्बाइन फाइंड आउट रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉमन सरफेस ड्यूरिंग प्रोसेस ठीक है तो आपके पास सवाल में क्या दे रखा है कि आपके पास दो सोप बबल है जो कि इस तरीके से है एक का रेडियस ज़्यादा है एक का रेडियस कम है ठीक हमसे कह रहा है कि बी जो है वो ज़्यादा है दिस इज़ योर बी दिस इज योर ए ठीक है अभी एग्जैक्ट एक्चुअल सवाल में हो सकता है कि ए बी से बढ़ा दिया होगा बट मोर और लेस आपको आइडिया लग जाएगा कि सवाल करना कैसे है दिस इज योर ए दिस इज़ योर बी ठीक है अब एक बारी थोड़ा सा थ्योरी एक बार हम लोग रिवाइज़ कर लेते हैं ये रहा आपके पास सोप बबल इसके अंदर मान लीजिए प्रेशर है पी इन बाहर में प्रेशर है पी आउट और इसका रेडियस है मान लेते हैं आर तो हमें पता है कि हम पी इन को लिखते हैं पी आउट प्लस फोर टी या फिर फोर एस जो भी सिंबल इस्तेमाल करें सरफेस टेंशन का फोर टी बाई आर यानी कि अंदर में जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है बाहरी प्रेशर से एंड एट द सेम टाइम अगर आपका ये रेडियस छोटा होता है तो अंदर का प्रेशर ज़्यादा होता है तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि ये वाला जो बबल है इसका रेडियस uh, छोटा है ए छोटा है एज़ कम्पेयर टू बी राइट तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा पी वन वो ज़्यादा होगा यहाँ के प्रेशर पी टू से तो यहाँ पे जो सरफेस uh, बनेगा दैट इज़ गोइंग टू हैव कॉन्केविटी समथिंग लाइक दिस तो इस तरीके का यहाँ पे पहली बात तो सरफेस बनेगा जिसका रेडियस हमको निकालना है मान लेते हैं इसका रेडियस है आर मान लेते हैं जो आउटसाइड प्रेशर है दैट इज़ योर पी नॉट ठीक है तो सबसे पहले हम लोग इस वाले सरफेस के लिए इक्वेशन लिखते हैं तो ये आपका हो जाएगा पी वन पी वन ज़्यादा है यह आपका आउटसाइड प्रेशर है पी वन माइनस पी नॉट इज इक्वल टू फोर टी बाई ए ठीक है इस वाले सरफेस के लिए जब इक्वेशन लिखेंगे तो हम कह देंगे P2 टू माइनस पी नॉट इज इक्वल टू फोर टी बाई बी इक्वेशन नंबर टू और इस वाले सरफेस के लिए जब लिखोगे तो p1 ज़्यादा है p2 कम है तो हम कहेंगे p1 वन माइनस पी टू इज इक्वल टू फोर टी बाई आर और r ही वो है जो हमें निकालना है ठीक है अब एक काम कीजिए नाउ वॉट यू कैन डू इज अब ध्यान से देखिए अगर आप इक्वेशन नंबर वन और टू को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दे तो यहाँ पे आपको देखना चाहिए दैट पी वन माइनस पी टू इज नथिंग बट फोर टी कॉमन ले लीजिए वन बाई ए माइनस वन बाई बी नाउ दिस इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर थ्री तो हम कह सकते हैं दैट फोर टी वन बाई ए माइनस वन बाई बी इज इक्वल टू फोर टी बाई आर तो फोर टी से फोरटी अपना कैंसिल हो गया यहाँ से आपको आर आ जाएगा ए बी अपॉन बी माइनस ए ए बी अपॉन बी माइनस ए एंड दिस इज योर ऑप्शन नंबर वन ठीक है तो यह आपका अप्रोच हो गया इस सवाल को करने का आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ मास एम फोटोन हैज द सेम एनर्जी कैपिटल ई फाइंड आउट द रेशियो ऑफ देर वेवलेंस ठीक है question, question M, energy, e. तो अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाई एच अपॉन एम वी और हम इस मोमेंटम को लीनियर मोमेंटम एम को हम लिख सकते हैं अंडर रूट टू एम के वर के इस कैनेटिक एनर्जी जहाँ पे हमें ये कैपिटल ई e दे रखा है तो ये हो गया आपका वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन और अगर हम लोग फोटोन की बात करें तो हमें पता है कि एनर्जी इज गिवन बाई एच सी बाई लैमडा एच सी बाई लैमडा तो हम यहाँ से कह सकते हैं वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज इक्वल टू एच सी बाई ई इक्वेशन नंबर टू अब हमें इनका रेशियो पूछ रहा है सो वी हैव टू फाइंड लामडा ई अपॉन लामडा पी तो यहाँ से आपको दिख रहा है एच अपॉन अंडर रूट टू एम कैपिटल ई मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे ई e ऊपर चला जाएगा दिस इज योर एच सी तो यहाँ से आपका एच और एच तो कैंसिल हो गया सो दिस बिकम्स वन बाई सी अंडर रूट ई अपॉन टू एम एंड दिस इज योर ऑप्शन नंबर टू आगे बढ़ते हैं अगला सवाल क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन टू गैसेस आर मिक्सड इफ नंबर ऑफ मोल्स आर एन वन एन एन टू इनिशियल टेमप्रेचर्स टी वन एन टी टू मासेस आर एम एंड एम टू डिग्री ऑफ फ्रीडम इज एफ वन एन एफ टू देन फाइंड द फाइनल टेम्परेचर ठीक है तो इसमें हम लोग इंटरनल एनर्जी कंजर्वेशन का इस्तेमाल करने वाले हैं दैट टोटल इनिशियल एनर्जी इज गोइंग टू बी इक्वल टू फाइनल टोटल एनर्जी ठीक है to energy, लेकिन फाइनली जब वो लोग मिक्स कर गए होंगे तो एक कॉमन टेम्परेचर टी आ गया होगा हमसे वही कॉमन टेम्परेचर टी पूछा जा रहा है ठीक है तो इनिशियल जब एनर्जी लिखोगे एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है एफ आर एन टी बाई टू ठीक है तो शुरुआत में आ, जो ये आपका वन वाला गैस है उसका एनर्जी हो जाएगा एफ वन आर एन वन टी वन बाई टू दूसरे वाले का हो जाएगा एफ़ टू आर एन टू टी टू बाई टू राइट और बाद में बाद में दोनों का टेम्परेचर तो सेम है तो टी कॉमन ले लेंगे एफ वन आर एन वन बाई टू प्लस एफ टू आर एन टू बाई टू राइट right? अच्छा यहाँ से आप देखिए आपका आर बाई टू आर बाई टू तो कट हो जाएगा दिस गेट्स कैंसल्ड तो यहाँ से हम टी बोल सकते हैं एफ वन एन वन टी वन प्लस एफ टू एन टू टी टू डिवाइडेड बाई एफ वन एन वन प्लस एफ टू एन टू एंड दिस इज मैचिंग अप विथ ऑप्शन नंबर कहाँ पे है ऑप्शन नंबर थ्री है क्या यस दिस इज द ऑप्शन नंबर थ्री ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एटीन ओके सवाल में कहता है कि फोर लार्ज कंडक्टिंग प्लेट्स ऑफ लेंथ टू मीटर एंड ब्रेथ थ्री बाई टू मीटर ठीक है तो यहाँ पे आपके पास चार प्लेट्स है हर प्लेट का आपको एरिया बता दिया गया है लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि टू इन टू थ्री बाई टू दिस इज योर थ्री मीटर स्क्वेयर राइट आर अरेंजड एज शोन इन द फिगर द इक्वलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड सी इज दिस मच तो हमें एक्स की वैल्यू बतानी है ना दिस इज अगेन डिसेंट प्रॉब्लम यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं ना हर प्लेट को ना नंबरिंग कर दो वन टू थ्री फोर राइट हमसे ए और सी के बीच में निकालने बोला है ए को हमने वन नंबरिंग दिया है सी को हमने तीन नंबरिंग दिया है तो इन दोनों प्लेट्स का नंबर को हल्का दूर बना दो टू और फोर को टू और फोर को आपने एक वायर से कनेक्ट किया यानी कि दोनों का पोटेंशियल सेम होगा सो so दोनों नंबर को इकट्ठा लिख दो राइट सो दीज प्लेट्स दीज नंबर्स आर बेसिकली सिम्बालिक ऑफ पोटेंशियल ऑल्सो राइट अच्छा अब वन और टू वन और टू आपस में एक कैपेसिटेंस बना रहा है होगा वन और टू के बीच में एक कैपेसिटर हो गया इस तरीके से बना दिया टू और थ्री के बीच में एक कैपेसिटेंस है तो यहाँ पे टू है यहाँ पे थ्री है तो ये हो गया और थ्री और फोर के बीच में एक और कैपेसिटेंस है लाइक दिस यानी कि जो सी इक्वेलेंट होगा दैट इज़ इन दोनों का और इसका इस इस सिस्टम का सी इक्वेलेंट होगा अब ये सी है ये सी होगा हर प्लेट का डायमेंशन और उनके बीच का सेपरेशन सेम है तो हम कह सकते हैं ना इनके बीच का अगर सी है तो इनके बीच का भी सी होगा इनके बीच का भी सी ही होगा वेर सी इज़ इक्वल टू ए एप्साइलेन नॉट अपॉन डी राइट तो यहाँ पे सी और सी टू सी हो गया टू सी और ये वाला सी आपस में सीरीज़ में है यानी कि आपका जो सी इक्वेलेंट होगा दैट इज गोइंग टू बी टू सी बाई थ्री फिर से बता देते हैं ये सी और सी आपस में पैरल में है तो ये टू सी हो जाएगा एंड दिस टू सी एंड सी आर इन सीरीज तो ये टू सी बाई थ्री हो जाएगा सो दिस इज़ टू बाई थ्री मल्टीप्लाइड बाई ए एप्साइलेन नॉट बाई डी सी का वैल्यू है ए एल नॉट बाई डी और हमारे पास एरिया हमको दिया हुआ है थ्री तो यहां पे थ्री हो गया सो द आंसर इज टू एपसाल नॉट अपॉन डी देर फॉर एक्स की वैल्यू हो जाएगी टू ठीक चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर क्वेश्चन नंबर नाइनटीन सिमिलर क्वेश्चन आपको फेब अटेम्प्ट में भी आया था बस वहां पे हमसे डायरेक्टली आई आर एम एस पूछा था यहाँ पे हमसे हॉट वायर अमीटर का रीडिंग पूछा जा रहा है इफ़ करंट इन अ वायर इज़ आई वन साइन ओमेगा टी आई टू कॉस ओमेगा टी फाइन आउट द रीडिंग ऑफ हॉट वायर अमीटर कनेक्टेड टू इट अब आपको पता होना चाहिए कि एक हॉट वायर अमीटर जो होता है दैट गिव्स यू आई आर एम एस ये आई आर एम एस ही मेजर कर रहा होता है जो सबसे पहले हम यहाँ पे सुपर पोजिशन प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके बता देते हैं कि वॉट इज़ दी आई नॉट ओवर हीयर तो इसको हम लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू यानी कि आई वन अगर हमने इस तरह से लिया है तो आई टू पाई बाई टू से लीड कर रहा होगा दिस इज़ योर आई टू राइट तो जो रिजल्टेंट uh, आने वाला है दैट इज़ योर आई नॉट

ऑप्शन नंबर वन रूट पूरे पे होगा ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी इसमें हमसे कह रहा है करंट इन अ वायर इज टेन एम्पियर एरिया ऑफ क्रॉसेक्शन इज फाइव एम एम स्क्वायर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज आल्सो गिवन टू यू फाइंड द इलेक्ट्रॉन एंड नंबर डेंसिटी सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है आई इज इक्वल टू एन ई एन ई एरिया ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो हमसे यहाँ पे एन ही पूछा जा रहा है सो आई अपॉन ई ए वी डी करंट हमारे पास दे रखा है टेन राइट दिस इज़ वन पॉइंट सिक्स टेन टू द पावर माइनस नाइनटीन मल्टीप्लाइड बाई एरिया इज़ फाइव इंटू टेन टू द पावर माइनस सिक्स मल्टीप्लाइड बाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज टू इंटू टेन दा द पावर माइनस थ्री अब आप ध्यान से देखिए ये हो गया आपको माइनस नाइन्टीन माइनस ट्वेंटी फाइव यहाँ पे ट्वेंटी एट हो जाएगा तो वो ऊपर चला जाएगा सो टेन टू द पावर ट्वेंटी नाइन हो गया बेसिकली ऑलरेडी टेन था नीचे आपके पास फाइव इंटू टू टेन है और ये वन पॉइंट सिक्स है सो वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन तो ऊपर से एक काम कीजिए हंड्रेड अलग कीजिए टेन टू द पावर ट्वेंटी सेवन लिख दीजिए जैसे ये हो गया आपको वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन तो जीरो जीरो चला गया और टेन बाई वन पॉइंट सिक्स जो होता है दैट इज योर अप्रॉक्सीमेटली सिक्स पॉइंट टू फाइव सो आंसर अपना यही हो गया सिक्स पॉइंट टू फाइव इंटू टेन टू द पावर ट्वेंटी सेवन ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन टॉर्क बेस सवाल है इफ़ अ फोर्स एफ इज इक्वल टू दिस मच इज़ अप्लाइड एट पॉइंट पी ये अपना पॉइंट पी है देन फॉर टॉर्क अबाउट ओ एंड अबाउट क्यू इज़ हाउ मच तो ओ और क्यू के अबाउट हमसे टॉर्क पूछा जा रहा है टॉर्क निकालने के लिए आपको चाहिए होता है पोजिशन वैक्टर तो सबसे पहले वो भी देख लेते हैं इसका कोर्डिनेट हमने बोला जीरो का मा जीरो राइट तो इस वाले का कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका कितना आ, टेन कॉमा जीरो ये एक आइसोसलिस्ट ये एक इक्विलाट्रल एक ट्राइंगल हमें दिखाई दे रहा है तो टेन सेंटीमीटर टेन सेंटीमीटर तो बेस भी हो गया टेन सेंटीमीटर राइट एंड व्हाट इज़ द दॉर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट पी पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा ध्यान से देखिए ये आपको हो जाएगा एक्स हो जाएगा आपको इसका टेन कॉस सिक्सटी डिग्री विच मीन्स फाइव और वाई कोऑर्डिनेट आपको हो जाएगा टेन साइन सिक्सटी विच इज़ फाइव रूट थ्री राइट अब सवाल में कुछ पचा ही नहीं है अगर हमें टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ लिखना है वो लिखना है आई विल बी राइटिंग आर ओ पी वेक्टर ओ पी वैक्टर क्रॉस योर एफ वैक्टर ठीक है अब आर ओ पी क्या हो जाएगा दिस इज गोइंग टू बी योर फाइव आई कैप कैप प्लस जे क्रॉस फोर्स इज दिस मच दिस इज योर फोर आई कैप माइनस थ्री जे कैप राइट अब आई क्रॉस आई तो जीरो देगा तो आई वाला जे के साथ जाएगा आई क्रॉस जे होता है के कैप सो फाइव इन टू माइनस थ्री इज माइनस फिफ्टीन के कैप और फाइव रूट थ्री जे कैप इसके साथ क्रॉस लेना पड़ेगा क्योंकि जे क्रॉस जे तो जीरो होने वाला है सो जे क्रॉस आई इज माइनस के कैप सो दिस बिकम्स माइनस ट्वेंटी रूट थ्री के कैप तो ये हो जाएगा माइनस कॉमन uh, uh, ले लो सो फिफ्टीन प्लस ट्वेंटी रूट थ्री के कैप ठीक है सो so, ये वाला तो मैच हो रहा है यहाँ पर भी है ये और ये तो फ़िलहाल पॉसिबल नहीं है ठीक है अब बात करते हैं टॉर्क अबाउट पॉइंट क्यू का सो so, क्यू के बाद जब लोगे तो पोजीशन वेक्टर हमें लिखना पड़ेगा व्हाट यहां पे हम लिखा था ओपी अब लिखोगे आप QP दिस इज योर क्यूपी क्रॉस योर एफ वेक्टर राइट तो ये वाला जो आपका पोजीशन वेक्टर है ध्यान से देखिएगा ये वाला जो हमें लिखना है वेक्टर आर वेक्टर तो ये कितना हो जाएगा दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच फाइव माइनस टेन माइनस फाइव आई कैप प्लस फाइव रूट थ्री माइनस जीरो सो दिस इज़ फाइव रूट थ्री जे कैप क्रॉस अगेन फोर आई कैप माइनस थ्री जे कैप अब फिर से आई क्रॉस जे करेंगे सो दिस इज गोइंग टू बी के कैप सो माइनस माइनस प्लस सो फिफ्टीन के कैप एंड हियर अगेन जे क्रॉस आई नेगेटिव सो माइनस ट्वेंटी रूट थ्री के कैप सो दिस इज योर यू कैन टेक वॉट यहाँ पे तो कुछ कॉमन लेने का जरूरत ही नहीं है सो दिस इज सिंपली 15 के कैप माइनस ट्वेंटी रूट थ्री के कैप एंड दिस इज मैचिंग अप विथ विच वन दिस इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन नंबर टू ठीक क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू इसमें हमसे कहता है इफ़ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेजिस्टेंस इज एस एंड पैरल कॉम्बिनेशन इज पी एंड इफ एस इज इक्वल टू एन पी देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एन ठीक है मान लेते हैं जो दो रेजिस्टेंस है वो आपका आर वन और आर टू है तो हमसे सवाल में कह रहा है एस इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू एन इन टू पी एस जो है यानी कि वो पैरल है यानी कि आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू हो गया है ठीक है तो आर वन प्लस आर टू को इधर भेज दीजिए तो आर वन प्लस आर टू का होल स्क्वायर हो जाएगा दैट इज योर आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर प्लस टू आर वन आर टू इज इक्वल टू एन आर वन आर टू ठीक है अब आर एच एस में जो आर वन आर टू है उसे लेफ्ट हैंड साइड ले आइए तो ये आपका हो जाएगा आर वन बाई आर टू प्लस आर टू बाई आर वन प्लस टू इज इक्वल टू एन ठीक है अब मान लीजिए कि आपका जो आर वन बाई आर टू है लेटेस्ट कॉल दिस एज योर एक्स तो ये आपका हो जाएगा एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस टू माइनस एन इज इक्वल टू जीरो हो गया आपका एक्स स्क्वेर प्लस टू माइनस एन एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो ठीक है अब अगर आपका एक रियल सोल्यूशन होना है अगर आर वन आर टू का वैल्यू एग्जिस्ट करना है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिटर्मिनेंट शुड बी मोर देन इक्वल टू जीरो मोर देन इक्वल टू जीरो से आपका फोर माइनस फोर खत्म हो जाएगा दिस इज एन एन माइनस फोर मोर देन इक्वल टू जीरो से आपका आ रहा है एन शुड बी मोर देन इक्वल टू फोर तो जो मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए एन की जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है

ठीक है तो हमें यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम सिर्फ वाइब्रेशन बताया चौबीस है लेकिन पॉलिटॉमिक है तो हम मान सकते हैं कि ट्रांसलेशनल तीन होगा और रोटेशनल भी तीन होगा सो so, जो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा थ्री ड्यू टू ट्रांसलेशनल थ्री ड्यू टू रोटेशनल और वाइब्रेशनल आपका आ रहा है चौबीस सो so, ये आपको हो गया थर्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम्स ठीक है अब हमसे गामा की वैल्यू पूछ रहा है इसका फॉर्मुला हमें पता होता है वन प्लस टू बाई एफ अगर आपको डायरेक्ट फॉमूला नहीं भी याद होता है तो आप पहले सी बी निकाल सकते हो दैट इज योर एफ आर बाई टू फिर आप सी पी लिख सकते हो दैट इज योर सी बी प्लस आर और फिर आप ये गामा लिख सकते हो दैट इज योर सी पी बाई सी बी ठीक है तो घूम फिर के आप इधर ही पहुंच जाओगे तो ये दिख रहा है आपको वन प्लस टू बाई थर्टी एंड दिस इज गोइंग टू बी अप्रॉक्सिमेटली वन पॉइंट जीरो सिक्स सिक्स एंड दिस ऑप्शन इज दिस वैल्यू इज मैचिंग क्लोजिंग क्लोजेस्ट टू द ऑप्शन नंबर वन तो दैट्स द आंसर ठीक सो दैट वॉज फ्रॉम माई साइड एंड दिस वॉज अ स्पीड सोल्यूशन और इस तरीके की सोल्यूशन बनाने का बस एक ही मोटिव होता है कि आपका समय जितना से ज़्यादा से ज्यादा हम लोग बचा सकें एंड नो नीड टू वॉच लाइक लॉन्ग एंड लॉन्ग सोल्यूशन इसमें आपको क्विक रिविजन मिल जाएगा और जितना हो सकता है डिटेल में समझाने की कोशिश की गई है और अगर आपको ये अच्छा लगा है समझ में भी, भी आया है देन डू हिट द लाइक बटन सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सकता है चैनल को शेयर कीजिए ये आपका खुद का ही चैनल है हम लोग के चैनल पे मिलते रहेंगे ऐसे वीडियोस में मिलते रहेंगे तब तक के लिए टेक केयर बाय एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स